नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं प्रतिशत के कुछ सवाल लाया हूँ, उनको ध्यान से देखिएगा। वो आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय के कितने प्रतिशत कम होगी। चलिए फ्रेंड्स, देखिए इसके लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे हम। इसमें जो पहला लिखा है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो हमें तो निकालना क्या है, बी की आय निकालना है। तो हम लिखेंगे बी की आय ए की आय, है ना, से अधिक, मतलब इस टाइप से करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या करेंगे हम, कितनी मानेंगे इसमें हम, इसके लिए हम कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, जितनी अधिक है उसको लिख देंगे और 100 में से 100 को प्लस कर देंगे 10 में, ठीक है फ्रेंड्स। और हमेशा परसेंट की परसेंट में निकालना है तो गुणा लगाएंगे, 100 कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा 10/110 गुणा ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो फ्रेंड्स देखिए ये हो जाएगा आपका 100/11। इसको जब हम भाग करेंगे तो फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा 9 सही 1/11, है ना, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका परसेंट में आंसर आएगा, तो ये आपका कौन सा, 9 सही 1/11, जो बी नंबर का को ये है आपका ऑप्शन, ये आपका सही ऑप्शन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलम अपनी कुल आय का 20%, है ना, मकान के किराए पर देती है और शेष का 70% घरेलू काम, जो खर्च होते घर के, उन पे कर देती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी आय कितनी थी। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको फ्रेंड्स देखिए कुछ नहीं करना ज़्यादा, इसमें बचत जो है बचत को लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो जितना जितना ये जो 20% इसने किराए के लिए दिया, तो 100 में से 20, ठीक है, घटा देंगे और परसेंट जो परसेंट का रहेगा इनटू यहाँ आ जाएगा गुणा, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा क्या करेंगे, 100 में से हम 70 को भी घटा देंगे और फ्रेंड्स इसका जो रहेगा ऊपर आ जाएगा गुणा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका 3600 × 100 × 100/, यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स 80 और यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स 30, ठीक है फ्रेंड्स। इसको जब फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो काट दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे 3 से 12 12 12 में 12 12 36, ये कट गया 3 से, और यहां से देखिए ये कट जाएगा आपका 4 से 4 दुनी 8, ठीक है, और यहाँ पे 4 3 12, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए ये 2 से ये 100 भी कट जाएगा 50 बार में, तो क्या करेंगे, 5 3 15, ये आपका आ गया 150 और यहाँ इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये जाएगा आपका 15,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उसकी जो फ्रेंड्स आय थी ये कितनी थी, आय ए नंबर का ऑप्शन सही है, 15,000 थी फ्रेंड्स उसकी आय। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 20% हिस्सा है वही रोजमर्रा की चीजों पर और बचे हुए का 15% घर के किराए पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 11,560 बचते हैं रुपए, तो उसकी आमदनी क्या है फ्रेंड्स। तो ये पिछले सवाल के जैसा ही करेंगे फ्रेंड्स। इसको देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो इसके पास बच रहा है उसको लिख लेंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद ये जो दोनों परसेंट हैं इनको हमें 100 में से घटाना पड़ेगा और इसका जो परसेंट का था वो गुणा ऊपर 100 और इसका ऊपर, ये आ गया फ्रेंड्स। इसके बाद अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 100 में से 20 गया तो ये 80 बचेगा और यहाँ पे ये बचेगा आपका 85, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको ये 17 से जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो 17 से जाएगा, 17 5 85 होता है और यहाँ पे 17 ये 680 बार में जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद इस जीरो से इसको काट दूंगा मैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 5 से ये भी कट रहा है 20 बार में, है ना फ्रेंड्स, 5 यहाँ से 5 दुनी 10 और ये 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ देखेंगे कि ये हमारा 4 से कट रहा है,
कि कैसे कट रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले तो मैं इसको दो से काट देता हूं, ये कटा हमारा चार बार में और ये कटेगा आपका तीन और ये चार, चौंतीस है ना, 34 × 2 = 68 हो जाएगा। अब ये चार पंचे, ये भी आपका 20 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारे पास क्या क्या बचा, यहां से 34 बचा फ्रेंड्स, गुणा में यहाँ 5 बचा और यहाँ पे 100 बचा। देखिए फ्रेंड्स, इसका गुणा करेंगे, चार पंचे 20 हासिल 2 और 5 दिया 15 और 2 17 और ये 00 आ जाएंगे गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसकी जो आमदनी थी फ्रेंड्स वो थी ये बी नंबर का ऑप्शन, 17,000 इसकी आमदनी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपए है, उनमें से एक की आय औसत आय की 120% है, ठीक है फ्रेंड्स, 100 से ऊपर हो गया यहाँ पे, तो बताइए कि उसकी जो जिसकी आय थी वो कितनी आय है, ये बताना है हमें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो औसत आय है इनका हमें पर व्यक्ति की आय निकालनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो 16 × 5 = 80 तो फ्रेंड्स ये पर व्यक्ति की आय हो गई 16 व्यक्ति। अब फ्रेंड्स उसमें क्या बोला है, उसने कि इसका हमें 120% निकाल देना है। आ रहा है ना फ्रेंड्स समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, इसका जो आय निकला है एवरेज आय औसत आय उसका हमें 120% निकाल देना है फ्रेंड्स। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, इस जीरो से ये कट जाएगा, 12 × 5 = 60, 6 आएगा 0 तो यहाँ से 12 × 5 = 60 तो ये फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन सा आंसर है, बी नंबर का इसका आंसर सही हो जाएगा, 6060 फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुल सेब थे, ठीक है कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब बचते हैं, शुरू शुरू में उसके पास कितने सेब थे। तो फ्रेंड सबसे पहले हमें इसमें मानना पड़ेगा कि माना उसके पास कुल एक्स सेब थे, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक्स का 40% निकालेंगे फ्रेंड्स, एक्स का 40% निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स उसके पास 40% सेब वो बेच रहा है तो अब उसके पास 60% बच रहा है, यहाँ 40 नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ 60 आएगा, एक्स का हमें 60% निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो एक्स का जो 60% रहेगा वो 420 रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स, तो इससे तो ये कट जाएगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो यह जाएगा 420 यहाँ ऊपर, यह जाएगा नीचे जाएगा, इसका जिसको हम काटेंगे तो ये 70 बार में कटेगा फ्रेंड्स, तो x बराबर हो जाएगा ये 700 फ्रेंड्स। ठीक है, तो 700 इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 700 उसके पास कुल सेब जो थे, डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, कुल सेब उसके पास थे 700 पहले, है ना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 बाउंड्री और 8 छक्के शामिल हैं, विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए उसने कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाया। तो फ्रेंड्स इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसने एक बल्लेबाज था, उसने 110 रन टोटल 110 बनाए जिसमें से 3 चौके थे तो 3 चौके तो 12 रन तो ये हो जाएंगे और 8 छक्के हैं तो 8 × 48 रन ये हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 48 में यहाँ पे 12 है ना, 12 और 48 को जोड़कर टोटल में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते करते हैं अपन। देखिए फ्रेंड्स टोटल कितने हैं उसके पास, 110 रन बनाने हैं ना, इसमें से क्या क्या घटाएंगे, हमने क्या बताया मैंने अभी आपको, 3 तो चौके घटा देंगे और 8 छक्के घटा देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो 110 में से 4 × 12 ये हो जाएगा और 8 × 48 ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे, जोड़ने पर फ्रेंड्स ये आएगा 60 है ना, जब इसको घटा देंगे तो ये 0 और 6 × 5 = 11 तो इसका 50 रन, मतलब फ्रेंड्स उसने ना 110 में से 50 रन उसने क्या करे, दौड़ के बनाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें करना क्या है, हमें इसका प्रतिशत निकालना था, अंक तो इसमें पूछे नहीं है, देखिए अंक कहीं नहीं पूछे हैं, इसमें हमें क्या
कितना रनों का कितना प्रतिशत बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, इसमें 50 रन है, ठीक है, साइड में बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, मैं इसमें ये बॉक्स में बता दूंगा, इतने में 50 रन है, ठीक है, और टोटल कितने हैं 110, हमें क्या निकालना है प्रतिशत। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें हमने इससे इसको कट कर दिया, ये हमारे पास आ गया 500/11। ठीक है फ्रेंड्स, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा 45/5/11 प्रतिशत में आएगा फ्रेंड्स, देखिए 45/5/11 बी नंबर जो है वो राइट आंसर रहेगा इसका। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घनश्याम की आय प्रति सप्ताह 1200 रुपये है, करों की कटौती के बाद उसे प्रति सप्ताह आय का 78% प्राप्त होता है, तो उसकी राशि बतानी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना, तो उसकी जो एक हफ्ते में उसको मिल रहा है 1200 रुपये मिल रहा है फ्रेंड्स, और जो कटौती वगैरह होती है ना, हेल्थ चेकअप जो भी, उसको उसको कट मतलब उसका जो कटौती हो रही है वो होती है फ्रेंड्स 22%। ठीक है, 78 में से 22 घटाएंगे तो सॉरी 100 में से 22 घटाएंगे तो 78 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बताना है कि उसको 78% मतलब ये कितनी, 1200 का हम 78% निकाल देंगे इसमें, सिंपल सी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे तो 12 8 96 6 हासिल 9। ठीक है, इसके बाद 12 7 84 आएगा फ्रेंड्स, 84 में हम 9 जोड़ देंगे तो ये जाएगा फ्रेंड्स 93। ठीक है फ्रेंड्स, तो 93 मतलब आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें 936 आपका सी नंबर में जो है वो आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 85% खर्च करने के बाद 3600 रुपये प्रति माह की बचत करता है, तो आय ज्ञात कीजिए, उसकी आय कितनी है ये पता करना है फ्रेंड्स। तो ये सवाल मैं एक क्वेश्चन पीछे करा चुका हूँ, बस उसमें मैंने खर्चे दो दिए थे ना, एक खर्च दिया था और एक और दिया था है ना। इसमें आपको सिंपल से जो आपको उसकी बचत हो रही है बचत को लिख देना है, इन सवालों को फ्रेंड्स ऐसे ही करेंगे, शॉर्ट ट्रिक है ये उनकी। इसके बाद मैंने बोला था बटे लगा के जो ये परसेंट है उसको 100 में से घटा देना है और ये परसेंट का चिन्ह हम ऊपर लगा देंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना, बटे में 100 करेंगे तो हमने ऊपर लगा दिया फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला तो आपका फ्रेंड्स सेम ही आएगा, मान लीजिए इधर से ये 15 बार में कटेगा फ्रेंड्स, इसको घटाने पे 15 आ गया। अब इसको काटेंगे तो हम 15 दुनी हो जाएगा फ्रेंड्स 30, यहाँ पे 6 बचा, 15 चौको हो जाएगा 60 और ये 0, तो ये इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो ये जाएगा फ्रेंड्स 24,000 आ जाएगा फ्रेंड्स इसका। तो फ्रेंड्स उसकी जो इनकम थी वो कितनी है फ्रेंड्स 24,000, बी नंबर का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 छात्रों की एक कक्षा में विद्यालय के कार्यक्रम के तहत आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर में केवल 20 छात्र जाते हैं, तो कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र नहीं गए। तो फ्रेंड्स पहले तो हमें उसके कितने नहीं गए वो निकालना पड़ेगा, प्रतिशत तो हम बाद में निकालेंगे। तो 80 छात्र टोटल थे, चलिए फ्रेंड देखिए हैं, और 20 छात्र उसमें से गए, तो कितने नहीं गए 60 नहीं गए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अब हमें इसका परसेंट निकाल, परसेंट का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जो ये है इसको लिख देंगे और बटे में टोटल कितने हैं 80 स्टूडेंट थे, ठीक है, और गुणा में हम 100 लगाएंगे क्योंकि परसेंट में हम कन्वर्ट करते हैं तो 100 लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, इसको आप कुछ नहीं करिए, इसको आप इससे कट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप यहां से देखिए ये आपका 2 से ऊपर 2 से नीचे काटना है मेरे को, तो 2 3 6 और 2 4 8 और 4 से 100 जाता है, 25 4 100 होता है और 25 3 हो जाएगा फ्रेंड्स 75। तो फ्रेंड्स कितने परसेंट विद्यार्थी इस वहां पर प्रोग्राम में नहीं गए, 75% विद्यार्थी नहीं गए थे छात्र, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, है ना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 40 छात्र हैं,
इन छात्रों में 90% छात्र फाइनल परीक्षा में बैठे, इनमें से दो तिहाई मतलब 2/3 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र फाइनल में उत्तीर्ण हुए। तो फ्रेंड सबसे पहले तो वही पहली लाइन क्या बोली क्वेश्चन में कि एक कक्षा में 40 छात्र हैं, ठीक है, तो 40 में से बोल रहा है 90% छात्र यहां पर बैठे परीक्षा देने के लिए। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स 40 का हमें 90% निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा है ना कि कितने छात्र बैठे। तो यहां से ये दोनों कट हो जाएंगे तो 9 चौक हो जाएगा 36। तो 36 विद्यार्थी 36 छात्र जो थे वो परीक्षा देने के लिए बैठे फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स इनमें से दो तिहाई, दो तिहाई का मतलब बोल रहा है फ्रेंड्स 2/3 बोल रहा है, दो तिहाई है ना, एक चौथाई मतलब 1/4 होता है, ठीक है, और इसके बाद 1/2 आधा, आधे के लिए 1/2 का यूज होता है, लेकिन अभी हमें करा दो तिहाई, तो दो तिहाई होता है 2/3, ठीक है फ्रेंड्स। इसका हमें निकाल देंगे 36 से, क्यों 36 टोटल स्टूडेंट थे, दो तिहाई इसके गए ना, तो इसको कटिंग कट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 और 12 दुनी 24 मतलब 24 बच्चे जो हैं वो पास हुए फाइनल ईयर में उत्तीर्ण हुए। सी नंबर का जो आंसर है वो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉच माय वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।